दोस्तों नमस्कार, पांडे क्विज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली हुई है झारखंड सशस्त्र पुलिस बल, जो कि बोकारो जिला के अंदर झारखंड में निकला हुआ है। तो आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे कैसे ये वैकेंसी को अप्लाई करेंगे, और एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है स्टार्टिंग लेवल, जो अभी मैट्रिक पास हैं और 18 साल की उम्र पास किए हैं, तो झारखंड के कैंडिडेट के लिए, झारखंड के स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज है। तो उससे पहले हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैकेंसी है क्या और कितनी वैकेंसी है। कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में बने रहें, आपको शुरू से अंत तक कंप्लीट डिटेल बताएंगे। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो पद का नाम है वो पद है दफ्तरी रसोईया जलवाहक झाड़ूकस नाई धोबी, जिसकी जो सैलरी ग्रेड है वो 7th पे कमीशन का बेसिक 18,000 का है और लेवल 1 का है। जो कुल वैकेंसी निकली हुई है वो दफ्तरी के लिए 4 वैकेंसी है, रसोईया के लिए 162 है, जलवाहक के लिए 125 है, झाड़ूकस के लिए 103 है और नाई के लिए 69 है, धोबी के लिए 67 है। इसके लिए आपको उम्र सीमा जो है वो उम्र 1/8/2018 को उम्र सीमा से ये होना चाहिए, जो सामान्य जाति के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए और पिछला वर्ग के लिए 18 से 27 वर्ष होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 28 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, महिलाओं के लिए 18 से 30 तक की उम्र होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कि शारीरिक माप क्या होना चाहिए। शारीरिक माप जो फिजिकल फिटनेस हम लोग बोलते हैं, वो सामान्य जाति के लिए 160 सेंटीमीटर ऊंचाई होना चाहिए और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर और सीना 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अनुसूचित जनजाति के लिए 155 सेंटीमीटर और सीना 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, महिला के लिए 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। और शैक्षिक योग्यता जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आप झारखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थाओं से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है, मीन्स आपको 10वीं पास झारखंड सरकार से, झारखंड जिला से, कोई भी जिला से, कोई भी बोर्ड से आपको पास होना मैंडेटरी है। जो कि आवेदन है, आवेदन का जो दिनांक है वो है 1/9/2018 से 24/9/2018 तक समाधि झारखंड सशस्त्र पुलिस बल बोकारो नियर उक्रीद बस्ती पोस्ट सेक्टर बोकारो सेक्टर 12 पिन 82/70/12 पे आपको क्या करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा। तो ये बेसिकली जो रिक्वायरमेंट है वो ऑनलाइन फॉर्म नहीं भर सकते हैं, आपको कैसे डाउनलोड करना है, फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको कंप्लीट डिटेल बताएंगे, आप इस वीडियो पे बने रहें। उसके बाद जो भी शारीरिक एवं व्यवहारिक जाँच आप इस पूरे को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, कैसे कैसे क्वालिफाई होगा, ये दौड़ होगा और जंप, हाई जंप, लो जंप सब होगा, और विभिन्न कोटि पद के लिए संविधिक व्यवहारिक परीक्षा होगी। परीक्षा कुल 100 अंकों का होगा, जिसमें 40 अंक प्राप्त करना बहुत ही मैंडेटरी है, मतलब आपको 40 अंक लाना बहुत ही ज़रूरी है 100 अंकों में। रसोईया जलवाहक पद हेतु साधारण खाना, रोटी दाल सब्जी अथवा चावल के अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रीय भारतीय व्यंजन शाकाहारी मांसाहारी बनाने की जानकारी होना चाहिए। जो ये बेसिकली जो रसोईया जलवाहक के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको खाना बनाना आना चाहिए, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो बेसिकली उतना खाना सभी स्टूडेंट को आता है। उसके बाद है कि शिकायत की जांच, आप यहाँ पे कोई भी, यदि कोई उम्मीदवार अपने ऊंचाई एवं सीना की माप से संतुष्ट नहीं है तो अपनी जाँच के उपरांत उसी दिन समिति के अध्यक्ष को अपना लिखित आवेदन देंगे। समिति के अध्यक्ष उसी समय नियमित के सभी सदस्यों के समक्ष ऐसे उम्मीदवारों की पुनः मापी करेंगे, और यदि कोई ड्यूटी होती है तो उसका सुधार तत्काल करेंगे। तो एक क्लियर एंड क्लीन भर्ती के लिए यहाँ पे दिया गया है कि यदि आपको लगता है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉल कर रहे हैं और आपको रिजेक्ट कर दिया गया है कोई कारणवश से, तो आपको वहाँ पर जाके आप इस चीज़ को शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और इसके बाद आप जब ये कंप्लीट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पढ़ लिए तो आपको ये विज्ञापन संख्या है, जो कि आपको इस फॉर्मेट में आपको उस यहाँ पे जो पता मैंने बताया था उस पता पे आपको क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा या भेजना पड़ेगा, या जाके वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं।
तो ये फॉर्म को आप कैसे डाउनलोड करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप वेबसाइट www.google.com पे जाइए, और कोई भी सरकारी नौकरी का जहाँ पे हम लोग चेक करते हैं वहाँ कोई पोर्टल खोल दिए, जैसे हम यहाँ पे खोलते हैं फ्री जॉब अलर्ट, तो फ्री जॉब अलर्ट में जाइएगा। तो यहाँ पे जाने के बाद इसको क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जॉब का एक टैब है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में क्लिक कीजिए, क्योंकि ये वैकेंसी है वो झारखंड राज्य के लिए है, तो यहाँ पे झारखंड पे क्लिक कीजिए। झारखंड पे क्लिक करने के बाद एक ओपन होगा लिंक, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसी जो भी झारखंड में निकली हुई है वहाँ पे निकली हुई। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि झारखंड आर्म पुलिस बोकारो, यहाँ पे आप जाके गेट डिटेल पे क्लिक कीजिए। आप जैसे ही गेट डिटेल पे क्लिक करेंगे आपको एक पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और पीडीएफ को आप क्या करें ऐसे यहाँ पे क्लिक करें और डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद इसको अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल पे सेव करें, और सेव करने के बाद आप क्या करें इसको प्रिंट आउट लेके एक वाइट इन्वेलप में फॉर्म फिल करके आप वहाँ पे जाके डायरेक्टली जाके इस एड्रेस पे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एड्रेस, वहाँ पे जाके सबमिट कर सकते हैं डायरेक्टली, या किसी पोस्टल ऑर्डर से भेज सकते हैं। तो ऐसे ही सरकारी नौकरी की वीडियो आप सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल पांडे गुरु जी को सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।